इस ऐप के सामने ट्रू बैलेंस, क्रेडिट वी, केस्ट, मनी व्यू, मनी टैप, फाइव रिंग, ब्रांच, पेशेंस, कोई भी ऐप, सब फेल। कोई इसके सामने नहीं टिक पा रही है, क्योंकि ये 3 मिनट में 80,000 का लोन सिर्फ आधार कार्ड, पैन कार्ड पे बिना किसी सिविल के दे रही है। सारे की सारी ऐप बेकार हैं इस ऐप के सामने। जी हाँ दोस्तों, हमारे सब्सक्राइबर ने यहां से लोन लिया है करीब 20,000 का। अब आप सोच रहे होगे ये कौन सी ऐप है, मैं आपको बताऊंगा। ब्याज भी इसका 10 रुपए पर डे का है, और सबसे बड़ी बात, एक नियत डाउनलोड के साथ साथ यहाँ पे इसकी रेटिंग भी जबरदस्त है, और यहाँ पे सिविल का भी चक्कर ज्यादा नहीं है। सिविल डाउन है तो भी लोन मिल जाता है, आधार कार्ड पैन कार्ड पे लोन प्रोवाइड कर देती है। तो चलिए मैं आपको डिटेल्स प्रोवाइड करता हूं, लेकिन यहाँ पे एक चीज क्लियर कर दूं, यहाँ पे मैं आप ही के सामने इसका रिव्यू कर रहा हूँ। फर्स्ट टाइम मुझे भी नहीं पता ये रियल ऐप है। अगर ये रियल निकली तो बहुत अच्छी ऐप होगी, अगर फेक निकली तो कैसे क्या करना है, इसको कैसे पैसा निकालना है, वो भी तरीका आपको बता दूंगा। तो यहाँ पे काम करो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को प्रेस कर दो, ताकि मेरी किसी भी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सके। और साथ ही साथ मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, स्क्रीन पे आईडी लिख के आ रही होगी, नहीं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है। टेलीग्राम चैनल के लिंक पे भी क्लिक करके, मतलब उस लिंक पे क्लिक करके डायरेक्टली ज्वाइन कर सकते हो। कुछ ऐसी अपडेट्स होती है जो मैं यहाँ नहीं बोल सकता हूँ, वहां बोलता हूँ। इसलिए बोल रहा हूँ कि टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें। तो चलिए मैं आपको लोन डिटेल शेयर करता हूँ। उससे पहले ध्यान रखें, किसी भी लोन ऐप से लोन लेने से पहले 10 बार सोच लेना, अगर उसका रिपेमेंट समय से नहीं किया तो वो आपका ऐसी तैसी कर देगा, चाहे वो फ्रॉड हो चाहे रियल हो। खास करके मैं एनबीएफसी की बात कर रहा हूँ, उससे तब लेना जब चुकाने में सक्षम हो। फ्रॉड से एक बार नहीं भी चुकाओगे तो गाली सुन लेंगे, चुकाना तो नहीं पड़ेगा, लेकिन रियल में ऐसा नहीं होगा। चलिए यहाँ पे देखिए, मैं लोन डिटेल शेयर करता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे जो ये लोन ऐप है बोलती है कि भैया 3 मिनट में हम 80,000 का लोन प्रोवाइड कर देंगे, 50,000 का भी दे देती है, 20,000 का देती है, सिर्फ आधार कार्ड पैन कार्ड पे बिना किसी इनकम प्रूफ के। कोई भी क्रेडिट स्कोर यहाँ पे नहीं चाहिए होता है, यहाँ पे रिंग और बड़ी बड़ी ऐप को ने फेल कर दिया है। यहाँ पे देखिए 24/7 इसका यहाँ पे कस्टमर सपोर्ट है, आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो कस्टमर सपोर्ट भी आपको यहाँ पे मिल जाता है। जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हो, 1 मिलियन प्लस डाउनलोड से है, 4.5 की रेटिंग है, एसएम फाइनेंस कंपनी है। अवॉर्ड ऐप में चल के आपको डिटेल प्रोवाइड करता हूँ, देखते हैं कि आगे कौन सी कंपनी है जो इतना लोन प्रोवाइड कर रही है आधार कार्ड पैन कार्ड पे। तो दोस्तों जैसा कि यहाँ पे दिया है कि 50,000 तक का लोन इंस्टेंटली प्रोवाइड कर देती है, 0 कॉलेटरल फीस है, यहाँ पे इंटरेस्ट भी काफी लो है, लोग मतलब जीरो मान के चलिए, 10 रुपए ये पर डे का ले रहा है एक तरह से, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे एक एग्जांपल समझ लेते हैं। अगर मान लीजिए आपने 20,000 का लोन 4 महीने यानी 120 दिन के लिए लिया, तो आपको यहाँ पे जो डेली का इंटरेस्ट लगेगा वो यहाँ पे भैया दे रहा है 10 रुपए का, मतलब कि पर डे आपको 10 रुपए देने हैं। 20,000 का 0.05% के हिसाब से 10 रुपए पर डे देना है, और इंटरेस्ट आपको यहाँ पे देना होगा 300 रुपए मंथली देना होगा। मंथली आपको पेमेंट जो करना होगा वो 5,300 करना होगा 4 महीने के हिसाब से। टोटल जो रीपेमेंट करना है वो आपको करना होगा 21,200 का, मतलब यहाँ पे जो आपको इंटरेस्ट लग रहा है टोटल 1,200 का लग रहा है, सब मिला के बता रहा हूँ, 4 महीने का 21,200 रुपए पे करने होंगे। यहाँ पे दे भी रहा है कि मिनिमम 5,000 से लेकर 5,500 तक का लोन प्रोवाइड कर देते हैं, टर्न ओवर टाइम 91 दिन का है, 365 दिन का अधिकतम है। लोन इंटरेस्ट रेट यहाँ पे जो मैक्सिमम एनुअल इंटरेस्ट रेट है 18.25 है, नो हिडन चार्जेस है, फीस ट्रांसपेरेंट और क्लियर है। यहाँ पे जो इंटरेस्ट है वो भी लो है, कोई सिविल भी नहीं मांग रहा है, कोई इनकम प्रूफ भी नहीं मांग रहा है, कोई बैंक स्टेटमेंट नहीं मांग रहा है, सिर्फ आधार कार्ड पैन कार्ड पे दे रहा है। अब बात आती है कि यहाँ पे यार नीचे कोई मेल आईडी नहीं दी है और कोई खास एनबीएफसी का नाम भी नहीं दिया, तो बता दूं, ऊपर आप देख पा रहे होंगे सेफ मनी लिख के आ रहा है, ये सेफ मनी ऐप है। अब यहाँ पे यार ये तो समझ में आ रहा है कुछ कुछ लग रहा है कि फर्जी हो गई, इसको क्लियर करने के लिए इसकी वेबसाइट को एक बार चेक करेंगे, क्या इसकी वेबसाइट है नहीं है। भले ही प्ले स्टोर पे इसकी ऐप है, लेकिन मेल आईडी कहीं भी इसका जिक्र नहीं किया है, ना ही कोई इसकी एनबीएफसी का किया, आप चेक कर सकते हैं। तो एक बार गूगल पे चेक करते इसकी वेबसाइट है या नहीं है। तो जैसा कि हमने गूगल पे सेफ मनी डाला, तो यहाँ पे ऐप को डाउनलोड करने के जो है लिंक आ रहे हैं, वेबसाइट का कोई लिंक नहीं आया। आप देख सकते हैं कि एक्चुअल जानकारी यही मिलती है, प्ले स्टोर पे दिखा रहा है 1 मिलियन, जबकि यहाँ पे 14 लाख से ज्यादा डाउनलोड हो चुके हैं, मतलब 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं, तो यहाँ पे 14 लाख से ज्यादा डाउनलोड हो चुके हैं, रियलिटी ये निकल के आ रही है। और यहाँ पे कोई भी एफसी लिंक नहीं मिल रही जिससे हम ये कह सके ये वेबसाइट है, ये ओरिजिनल एनबीएफसी, ऐसा कुछ भी नहीं है, कुल मिला के फर्जी ऐप निकल के आ रही है। अब यहाँ पे मैं इसके रिव्यू भी दिखा देता हूँ, रिव्यू आपको क्लियर कर दूं, कुछ रिव्यू इनके खुद के बनावटी होते हैं, बनाए होते हैं, खरीदे होते हैं, जो इंग्लिश वाले होंगे वो इसकी ऐप की तारीफ कर रहे होंगे, और जो रियलिटी वाले जो अपने हिंदुस्तानी नेम वाले होंगे, जो हिंदुस्तान में किसी ने लिया होगा उसका नाम आप समझ जाओगे, जैसे कहते हैं कि मुकेश हो गया, राकेश हो गया, पप्पू हो गया, या आशीष हो गया, अद्भुत हो गया, इस तरह के जो नाम होंगे वो इसकी सच्चाई खोलेंगे कि हाँ भैया ये ऐप गलत है। मैं आपको दिखा दूं, इंग्लिश नेम है मूरे इंग्लैंड, टू वे अवेल डू द नीड वेरी कॉमन यूज, ये कैन गरेबर ये भी तारीफ कर रहा है, मोरे से रसेलो ये भी तारीफ कर रहा है। सी ऑल रिव्यूज पे क्लिक करते हैं,
यहाँ पे मैं देखिए ये देखिए क्लाइन लुई पुई जैसे क्या क्या दिया हुआ सब इसकी तारीफ करते मिलेंगे। यहाँ पे मैं हिंदी नाम ढूंढता हूँ ताकि आपको क्लियर कर सकूं, इंग्लिश नाम मिलेंगे आपको क्योंकि ये सब बनावटी हैं, ये खरीदे गए, इनके रिव्यूज हैं, जितने भी हैं ये सब तारीफ करते हुए दिखाई देंगे। कुछ कोई भी आपको हिंदी नाम मिलेगा नहीं क्योंकि सब इनके बनाए गए हैं, ठीक है। अब यहाँ पे मैं चलिए एक आपको दिखा देता हूँ क्रिटिकल, ये देखिए क्रिटिकल पे दिखाता हूँ। तो अब यहाँ पे देख सकते हैं राकेश नाम ने कह रहा जो कि हिंदुस्तानी आफ्टर कुलिंग द लोन द वांस अपडेटेड द एट द पीपल मिसिंग यूज एविजिंग लैंग्वेज द आस्किंग द पे अमाउंट। यहाँ पे देखो अभिषेक गुप्ता ये भी इसकी बुराई करते मिलेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखो श्वेता करके भी इसकी वेरी बैड टाइप लिख के आ रहा है। यहाँ पे देखिए आनंद द रोस्ट टाइप। तो आज समझ गए होगी जो अपने हिंदुस्तानी नेम है अगर उनके रिव्यू चेक करोगे तो क्लियर हो जाएगा कि हाँ भैया ये फ्रॉड ऐप है। यहाँ पे क्लियर हो गया तो अब बात आती है कि भैया अब क्या करें इसका, एनबीएफसी ऐप है नहीं, इससे लोन नहीं लेना, ये कोई भी एनबीएफसी ऐप नहीं है, कोई भी आरबीआई नहीं है, इससे दूर रहना है। एनबीएफसी लोन लेना चाहते तो आपको मैं अभी बता दूंगा वो कौन सी ऐप है जिससे आप लोन ले सकते हो जो कि एनबीएफसी है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। फिलहाल अगर आप इससे लोन लेना चाहते हो तो आपको यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है, एक फोन लो, फर्जी मेल आईडी बनाओ, 300-400 नंबर की कॉन्टेक्ट लिस्ट बनाओ और यहाँ पे आप जो है दबा के इससे पैसा लूट सकते हो, फर्जी कॉन्टेक्ट लिस्ट बना के पैसा मिल जाएगा। क्योंकि अगर आप इससे लोन लेते हो तो आपकी कॉन्टेक्ट को हैक करते हैं, अगर आप फर्जी बना के लोगे तो आपको लोन तो मिल जाएगा और आपकी कॉन्टेक्ट फर्जी वाली जाएगी। अगर ये पर्सन करते भी है तो फर्जी पे कॉल जाएगा, जो आपने फर्जी कॉन्टेक्ट लिस्ट बनाई आपको लोन ही मिल जाएगा, पैसा मिल जाएगा, चुकाने का झाड़ भी नहीं, बस इनको लूटने का यही तरीका है। कुल मिलाकर फर्जी ऐप है, आप पहले तो ट्राई मत करो, ट्राई कर रहे हो इस तरीके से करो ताकि आपको कुछ बिगाड़ी ना पाए। और बाकी अगर आप चाहते हो कि मैं एनबीएफसी लोन एफसी लोन लूंगा तो आपको ऐप सजेस्ट कर रहा हूँ जिसका नाम है ट्रू बैलेंस, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, जो आपको सिर्फ आधार कार्ड पैन कार्ड पे 1000 से लेकर 15000 तक का लोन प्रोवाइड कर देती है। समय से रिपेमेंट करते रहोगे तो आपको लोन अमाउंट बढ़ता चला जाता है, अगर आप फर्स्ट टाइम मिले तो आपको 1000-2000 ही मिलेगा बिना किसी इनकम प्रूफ के, ये लोन प्रोवाइड कर देती है, काफी अच्छे पे, मैं इसका लीगल पार्टनर हूँ तो आपको लोन जल्दी मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, तो आज ही अप्लाई करें, ठीक है। तो दोस्तों आपको इसके अलावा कोई और समस्या है, कोई लीगल नोटिस आ गया, कोई एजेंट परेशान कर रहा है, कोई पुलिस की धमकी दे रहा है, कुछ भी परेशानी है तो आप मुझे जो है कमेंट करें, मैं आपकी पूरी हेल्प करूंगा, हम इसी काम के लिए बैठे। और कल की डेट में मैंने एक वीडियो डाला था, आप चेक कर सकते हैं, मैंने 11 लाख रुपए खुद से खर्च किए, लोगों का खुद से मैंने रिपेमेंट किया, ऐसे 35 गरीब परिवारों का मैंने हेल्प किया है। तो आप ये वीडियो भी मेरे वीडियो में आके चेक कर सकते हो। अगर आप भी चाहते हो कि आपका पैसा नहीं है, हम आपके बदले में पैसा चुकाएं, तो आपके लिए वीडियो देखना पड़ेगा, हमें कमेंट करना होगा, हमें संपर्क करना होगा, तभी हम आपकी हेल्प कर पाएंगे। तो ठीक है दोस्तों, अब चलता हूं, जाने पहले हमेशा की तरह चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, बेल आइकन को प्रेस करते हैं ताकि मेरी किसी भी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सके। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, सत्यमेव जयते।